स्वागत है आपका आज भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नायक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया, आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के गोड़ारी प्रखंड में मैं उपस्थित हूं। और गोड़ारी में अभी आप देख रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने गए, नॉमिनेशन करा करके आए और उप चेयरमैन हमारे पीछे खड़े हैं, जो उप चेयरमैन के पद पर अभी नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं। तो चलिए मैं इनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, इनसे परिचय लूंगा, जानकारी लूंगा, उसके बाद में और भी कुछ प्रयास करूंगा जानने के लिए। तो अभी इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। क्या अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि संजन है, मैं उप चेयरमैन प्रत्याशी हूँ जी। और अभी आपने नॉमिनेशन कराया? जी, हमने आज नॉमिनेशन कराया। आपका सिंबल कब मिलेगा? 30 तारीख के करीब में मिलेगा जी। सिंबल के बाद आप क्या करेंगे? सिंबल के पास हम अपना चुनाव प्रसार का काम स्टार्ट करेंगे, यानी क्षेत्र में उतर जाएंगे। क्षेत्र में उतर जाएंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और विश्वास को हासिल करने का काम, यानी जनता को विश्वास दिलाएंगे और जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करेंगे। बात सही है ना जी? अगर मान लिए कि जनता आपको चुन रही है, आपके साथ अगर जनता का हाथ रहा और जनता ने कहीं आपको जिस पद के लिए आप अपने चुनाव को लड़ रहे हैं, अगर जनता ने आपको उस कुर्सी तक पहुंचा दिया, तो आप सबसे प्रथम कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सारे जनता का तहे दिल से अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उम्मीदता पूर्ण सत्य और निष्ठा ईमानदारी के साथ उनके वादे पर खड़े उतरने का कार्य कर लेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे आप? जी बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए, आप आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से ये संदेश को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, आपके ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। अब जनता देखिए कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाता है अपने इस सिस्टम के राज को। और यहाँ पर जनता भी कुछ मेरे साथ उपस्थित है, जो कि भीड़ आप देख सकते हैं। आज नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन के बाद अब इन लोगों का सिंबल मिलेगा, सिंबल के बाद में ये लोग प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। प्रचार प्रसार करने के बाद देखिए कितने जनता इनके साथ में चल रही है, पग से पग मिला करके, और कितने जनता अपने हाथ को इनके सर पर रख रही है पूरे विश्वास के साथ। इन्होंने कहा है कि ईमानदारी से हम काम करेंगे, अब एक बार मौका की तलाश है। बात सही है ना? सही बात है, बस मुझे एक बार मौका चाहिए, उसके बाद जनता को कभी मुझसे निराशा हाथ नहीं लगेगा। चलिए, तो आप देख रहे थे आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी।